नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मैक्सिकन बाइट्स रेसिपी। मैक्सिकन बाइट एक परफेक्ट पार्टी स्टार्टर है। मैक्सिकन बाइट्स के लिए मैंने लिया है 1 कप फ्रेश ब्रेड क्रम्स। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सल्सा सॉस। सल्सा सॉस की रेसिपी मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। 1/2 कप बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, 2 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न, 1 टेबलस्पून कैप्सिकम। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी सल्सा सॉस में नमक है, अगर आपको लगे तो ही आप नमक डालिए, ये एकदम परफेक्ट है। अब ये मिश्रण अच्छे से बाइंड हो चुका है। अगर इस तरह बाइंड ना हो तो आपको चाहिए तो आप 1/4 कप ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं, पर ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। मैंने बटर पेपर ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। अब हम इस पे ये जो मिश्रण बनाया है इसको रख के अब हम इसको बेल लेंगे। अब हम इसको स्क्वायर शेप दे देते हैं। हमारे सारे स्क्वायर्स रेडी हो चुके हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लावर और पानी डाल के इसका एक पतला घोल रेडी किया है, आप देख सकते हैं इतना हमें पतला चाहिए पानी। 1/2 कप पानी और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। अब ये स्क्वायर्स हैं, इसको मैं कॉर्नफ्लावर में डिप कर रही हूँ और फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ऐसे हमें 3 बार कोट करने हैं। ये तीसरी बार मैं कोट कर रही हूँ जिससे कि आउटर लेयर बहुत क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में टेस्टी लगेगा। बिल्कुल इसी तरह हम सारे स्क्वायर्स को रेडी कर लेंगे। दोस्तों, ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। पहले हम एक ही फ्राई करेंगे। दोस्तों, ये रेडी हो चुका है, आप देखिए हमें इस तरह से गोल्डन कलर के ही फ्राई करने हैं। बिल्कुल इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। मैक्सिकन बाइट्स बनके तैयार है, आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।